हेलो प्यारे दर्शकों, आपने बच्चों का वो गाना तो जरूर सुना होगा जिसमें एक लाइन होती है, चंदा मामा दूर के कुए पकाए कूर के। अब ऐसी लाइन इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि सबको पता होता था कि चंदा मामा के पास जाना किसी के भी बस की बात नहीं है। लेकिन शायद ये चीज अब सच होने वाली है। जी हाँ, जापान एक ऐसी बुलेट ट्रेन शुरू करने की तैयारी में है जहां यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। जापान में शोधकर्ताओं के इस क्रांतिकारी कदम से यात्रियों को एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने की सुविधा भी मिलेगी। क्योटो यूनिवर्सिटी का हेक्सागोन स्पेस ट्रैक सिस्टम प्रोजेक्ट एक स्पेस टूरिज्म है जिसे वो काजिमा कंस्ट्रक्शन की मदद से इसे आगे बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक भी मंगल ग्रह पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पृथ्वी जैसा माहौल बनाने की योजना बना रहे हैं जहां पर्यटक रह सकेंगे। तो प्यारे दर्शकों, एक तरफ जहां भारत कई स्पेस अभियानों में लगा हुआ है, अमेरिका फिर से चांद पर जा रहा है, चीन मंगल ग्रह पर खोज में लगा हुआ है, रूस भी चीन संग चंद्रमा के लिए ज्वाइंट मिशन प्लान कर रहा है, वहीं भारत के इस करीबी मित्र देश जापान ने बुलेट ट्रेन और आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट का मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया है। कहा जा रहा है कि जापान अपने इस मेगा प्रोजेक्ट में लग गया है। हालांकि इसमें अभी समय लगेगा, लेकिन आने वाले दशकों में इंसानों को मंगल और अन्य ग्रहों पर भी जाने को मिलेगा। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको जापान के इस चलाई गई बुलेट ट्रेन की आपको पूरी जानकारी हम आपको दे सके। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहे। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं, देन लेट गेट स्टार्टेड। दर्शकों, क्योटो यूनिवर्सिटी और काजिमा कंस्ट्रक्शन मिलकर इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत स्पेस एक्सप्रेस नाम की बुलेट ट्रेन बनाने जा रहे हैं। यह ट्रेन धरती से चांद और मंगल के लिए रवाना होगी। इस इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हेक्सा ट्रेक नाम दिया गया है। इस ट्रेक पर हेक्सा कैप्सूल चलेंगे जो 15 मीटर लंबे होंगे। 30 मीटर लंबे कैप्सूल भी होंगे जो धरती से चांद होते हुए मंगल ग्रह पर जाएंगे। ये कैप्सूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक पर चलेंगे, जैसे वर्तमान में चीन और जर्मनी में मैग्लेव ट्रेनें चला करती हैं। दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक धरती के बाहर की दुनिया तक अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तमाम तरह के शोध करते रहते हैं। जहां एक तरफ अमेरिका फिर से चांद पर जा रहा है, चीन मंगल ग्रह पर पानी की खोज कर रहा है, रूस और चीन चंद्रमा के लिए संयुक्त मिशन की योजना बना रहा है, वहीं दूसरी ओर जापान ने बुलेट ट्रेन और आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट की योजना बना ली है। ऐसे में इंसानों का किसी अन्य ग्रह पर रहने का सपना जल्दी ही पूरा हो सकता है। अब जापान ने एक बहुत बड़ी योजना पर काम करने का ऐलान किया है। दरअसल वह धरती से एक बुलेट ट्रेन चांद तक चलाएंगे। इतना ही नहीं, यह ट्रेन पहले चांद तक जाएगी, इसमें सफल होने के बाद इसे मंगल ग्रह तक भी चलाया जाएगा। इसके साथ ही मंगल ग्रह पर ग्लास हैबिटेट बनाने की भी योजना बनाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि इंसान एक ऐसे आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट में रहेगा जिसका वातावरण धरती के समान होगा। आमतौर पर कम ग्रेविटी वाले स्थानों पर इंसान की मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इसलिए आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट में इन बातों का ख्याल रखा जाएगा कि वहां ग्रेविटी और वायुमंडल धरती के जैसा ही हो। हालांकि यहां बच्चे पैदा करने का काम को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि अब तक अंतरिक्ष में ये नहीं किया गया है। वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि 21वीं सदी के दूसरे हिस्से में इंसान चांद और मंगल ग्रह पर रहने लगेंगे। आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया है कि वहां भी इतनी ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण होगा जो धरती जैसा ही असर करेगा। वहां भी ऐसा वायुमंडल तैयार किया जाएगा जो इंसानों को धरती की तरह महसूस कराए। ऐसा इसलिए भी कि कम ग्रेविटी वाली जगहों पर इंसानों की हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाती है।
तो दर्शकों, अक्सर हमसे कहा जाता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा सोचो। जापान ने इस बार सच में बहुत बड़ा सोचा है। जापान की इस सोच के आगे एलन मस्क की सोच भी काफी पीछे दिख रही है। इधर भारत समेत कई देश अपने स्पेस अभियानों में लगे हैं और उधर जापान ने लोगों को बुलेट ट्रेन से ही धरती से चांद पर पहुंचाने की ठान ली है। जापान की योजना है कि वह धरती से एक बुलेट ट्रेन चलाएगा जो लोगों को चांद तक ले जाएगी। इस प्लान में सफलता मिलने के बाद जापान बुलेट ट्रेन से ही लोगों को मंगल ग्रह पर भी भेजेगा। दर्शकों, धरती से चांद तक बुलेट ट्रेन की योजना पर जापान ने यह प्लान शुरू कर दिया है। जापान के इस मेगा प्रोजेक्ट में मंगल ग्रह पर ग्लास हैबिटेट बनाने की भी योजना है। यानी धरती से जो लोग बुलेट ट्रेन के माध्यम से वहां भेजे जाएंगे, वे वहां एक आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट में रहेंगे, रहेगा जिसका आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट सेंटर का माहौल धरती जैसा बनाया जाएगा। इंडियन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार जापान क्योटो यूनिवर्सिटी और काजिमा कंस्ट्रक्शन ने मिलकर यह योजना बनाई है। वैज्ञानिकों की टीम ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के कर इस बारे में जानकारी दी है कि वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 21वीं सदी की आधी अवधि बीतने के बाद, यानी इसके दूसरे हिस्से में, यानी कि 2050, इंसान चांद और मंगल पर रहना शुरू कर देगा। इंसानों के रहने के लिए चांद और मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाई जाएगी। यह ग्लास कॉलोनी ऐसी होगी जहां इंसान आराम से रह सकेंगे। कॉलोनी के अंदर सब कुछ सामान्य रहेगा और हो सकता है कि अंदर रहने के लिए आपको कुछ खास कष्ट ना करना पड़े, लेकिन बाहर जाने के लिए आपको स्पेस सूट पहनना होगा। हालांकि बाहर स्पेस में रहने पर मांसपेशियां और हड्डियों पर प्रभाव पड़ता है, वे कमजोर पड़ सकती है, इसलिए कॉलोनी के अंदर रहना आरामदायक रहेगा। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां अंतरिक्ष यान से चंद्रमा तक पहुंचने का प्लान बना रहे हैं। जापान ने बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बनाकर काफी हैरत में डाल दिया है। ये ट्रेन चांद तक धरती की ग्रेविटी का उपयोग कर जाएगी। जापान ने यह घोषणा करके अंतरिक्ष में एक नए तरह की प्रतियोगिता की शुरुआत कर दी है। दर्शकों, स्पेस एक्सप्रेस कैप्सूल रेडियस सेंट्रल एक्सिस पर चलेंगे। चांद से मंगल ग्रह पर आने जाने के लिए 1G की ग्रेविटी मेंटेन की जाएगी। इसके लिए धरती पर एक ट्रैक स्टेशन बनाया जाएगा जिसका नाम होगा टेरा स्टेशन। 6 कोच वाली स्पेस एक्सप्रेस के पहली और आखिरी कोच में रॉकेट बूस्टर्स लगे होंगे, ट्रेन की आगे और पीछे की ओर ले जाने में मदद करेंगे। धरती और चांद के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के हिसाब से इसे एडजस्ट किया जा सकेगा। जापान एक बेहद बड़ी योजना पर यह काम कर रहा है। वह धरती से बुलेट ट्रेन चलाएगा जो लोगों को चांद पर पहुंचाएगा। यह ट्रेन पहले चांद तक जाएगी, इसमें सफलता हासिल करने के बाद इसे मंगल ग्रह तक चलाया जाएगा। इसके अलावा मंगल ग्रह पर ग्लास हैबिटेट बनाने की भी योजना है। यानी इंसान एक आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट में रहेगा जिसका वातावरण धरती जैसा बनाया जाएगा। आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि वहां पर इतनी ग्रेविटी और ऐसा वायुमंडल हो ताकि इंसान की मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर ना पड़े, जबकि आमतौर पर कम ग्रेविटी वाले स्थानों पर मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ अमेरिका फिर से चांद पर जा रहा है, चीन मंगल ग्रह पर खोज कर रहा है, रूस और चीन मिलकर चंद्रमा के लिए संयुक्त मिशन की योजना बना रहा है, वहीं जापान ने बुलेट ट्रेन और आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट की योजना बना ली है। ऐसे में इंसानों का जल्दी ही किसी अन्य ग्रह पर रहना आसान हो सकता है। दर्शकों, तो प्यारे दर्शकों, जापान के इस बुलेट ट्रेन चलाने की यह योजना को जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। क्या आपको लगता है कि यह मिशन सक्सेस होगा? कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए लगातार ऐसे ही नए नए रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो प्लीज सपोर्ट अस, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहे, स्वस्थ रहे।